फ्रेंड्स, अगर आज के टाइम में हम बात करें अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में लेने का, तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा टफ हो चुका है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों आज से कुछ समय पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते थे तो बहुत ही आसानी से और सिंपल वे से, कुछ सिंपल से मेथड ट्राई करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ले पाते थे। लेकिन आज के टाइम में या तो जितने भी पुराने ट्रिक थे वो सारे बंद हो चुके हैं या फिर उनपे चार्जेस लगने लग गए हैं। तो दोस्तों डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं फिर से एक ट्रिक जिसके जरिए आप क्रेडिट कार्ड की मनी को बिना किसी चार्जेस के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस ट्रिक को जानना और इस ट्रिक को यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में लेना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं K&R गुरु यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। और ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और नॉलेज की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए दो एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। एक का नाम है फ्री रिचार्ज और दूसरे का नाम है पे स्विप सेट। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे पहले फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्री रिचार्ज एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है आपको कुछ इस तरह प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो। सो गाइस, ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में एक ऐड मनी करके एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने इस ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम इस ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आप जितना अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं उतना मनी आप यहाँ पर टाइप करके इस मनी को ऐड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर 500 रुपीज़ ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ टाइप करने के बाद ऐड मनी टू फ्री रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक तो सेव कार्ड और दूसरे नेट बैंकिंग और तीसरा जो है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर, मंथ और ईयर, और उसके बाद में अपना CVV डाल के प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपना कार्ड डिटेल्स डालने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में चला गया है। तो उसके बाद हमें पड़ेगी यहाँ पर एक OTP की नीड। जो फ़ोन नंबर आपने क्रेडिट कार्ड में दिया होगा वहाँ पर आपको एक OTP आएगा और OTP आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। और OTP सबमिट करने के बाद आपका ये जो मनी है क्रेडिट कार्ड का वो इस वॉलेट में ऐड हो जाएगा। सो गाइस, हमने डाल दिया यहाँ पर OTP और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कर लिया है मनी को ऐड। मैं आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करवा देता हूँ। तो उसको चेक करने के लिए हम सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन पर टैप कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मनी एडिड ₹500 सक्सेस, यानी 500 रुपये मैंने जो यहाँ पर ऐड किया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अब इसको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा अपने बैंक अकाउंट में। तो चलिए दोस्तों, हम जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका यूज़ कर लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है पे स्विप सेट। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन भी आपको बहुत ही ईजिली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है और ये कैसे आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी पेमेंट रिसीव करते हो तो आपको जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। जी हाँ दोस्तों, अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसमें आप कैसे, सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं क्रेडिट कार्ड का।
तो वो कैसे ले सकते हैं, तो देखिए आपको ऊपर एक प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपने टैप कर दें, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्विसेज एंड चार्जेस का, तो आपने सर्विसेज एंड चार्जेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा से कैसे और किस किस चीज़ों से आप पेमेंट रिसीव करोगे, तो आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेंगे, और किस मेथड से अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो तो आपको यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो हमारा जो है फ्री रिचार्ज का वॉलेट है, उससे हम पैसा यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉलेट एंड लिंक पेमेंट से जो हमें अमाउंट रिसीव होगी वो 0% चार्जेस से हमें अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं, तो कैलकुलेट चार्जेस वाले अमाउंट पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे कि हम 500 रुपीज़ यहाँ पर हम सेंड कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो 500 का हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर 500, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अगर UPI के, तो अगर आप एक UPI के थ्रू अगर पेमेंट रिसीव करते हो तो आपको यहाँ पर 0% चार्जेस देना पड़ेगा। और दूसरा जो है आपको यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा वॉलेट एंड लिंक पेमेंट्स के थ्रू अगर आप यहाँ पर कोई भी पेमेंट लेते हो तो आपको वहाँ पर भी 0% चार्जेस से आपके अकाउंट में सेटलमेंट कर दिया जाएगा। मैं आपको ये अमाउंट अपने अकाउंट में लेकर दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये जो अमाउंट है आपको नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली फिर से होम पेज वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, और उसके बाद यहाँ देखिए स्टार्ट सेल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस स्टार्ट सेल वाले ऑप्शन पे आपने टैप कर देना है, और जितनी भी अमाउंट आपने वहाँ पर ऐड की थी और जो अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो चलिए हम 500 रुपीज़ यहाँ पर टाइप कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ देखिए कलेक्ट करके एक ऑप्शन है, तो कलेक्ट वाले ऑप्शन पे हमने टैप कर दिया। और इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट ले सकते हैं, UPI QR कोड के थ्रू ले सकते हैं, फ़ोनपे के थ्रू ले सकते हैं, वॉलेट लिंक पेमेंट और कैश के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ़ोनपे की बात कर लूँ तो फ़ोनपे में आपको थोड़ा सा चार्जेस लग जाता है, तो आप यहाँ पर वॉलेट का यूज़ कीजिए फ्री रिचार्ज का, जिसमें आप 0% चार्जेस से आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। तो हमने यहाँ वॉलेट वाले ऑप्शन पर टैप कर दिया, और यहाँ पर आपको बस अपना फ्री रिचार्ज का नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ देखिए जनरेट OTP का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस जनरेट OTP वाला ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस हमने डाल दिया यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। तो हमने कर दिया है जनरेट OTP टैप, तो ये कुछ ही सेकेंड्स में हमारे पास एक OTP आ जाएगा उस नंबर पे जिस नंबर से हमने फ्री रिचार्ज में अकाउंट बनाया हुआ है। तो चलिए हम OTP का वेट कर लेते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पर OTP फिल कर दिया है, और उसके बाद यहाँ कलेक्ट पेमेंट का जो ऑप्शन है उस पर हम टैप कर देते हैं। तो गाइस मैं आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टैप कर दिया, और ये ट्रांजेक्शन जो है एक सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो पेमेंट है आपको नेक्स्ट डे अपने आपके अकाउंट में सेटलमेंट होगा, तो इसका प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर लीजिए, और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो गाइस आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और गाइस मैं आपको यहाँ पर फिर से होम पेज पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए आपको यहाँ पर सेल टुडे में आपको 500 रुपीज़ दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर 500 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लिया है इस अकाउंट पे, जो कि मेरी बैंक अकाउंट में नेक्स्ट डे सेटलमेंट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी समझ गए होंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की मनी को अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको कहीं भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्या पता आपकी एक शेयर करने से किसी की हेल्प हो जाए। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस हमेशा पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।